हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल हेल्थ टिप्स हिंदी में। दोस्तों, आज मैं आप सबके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आई हूँ। आज मैं आपको बताने वाली हूँ हर्बल गोट ट्रीटमेंट डाइट टू कंट्रोल यूरिक एसिड। यूरिक एसिड को बढ़ने पर क्या खाएं व क्या ना खाएं और आयुर्वेदिक इलाज, आइए जानते हैं इसके बारे में। आज मैं आपको बताऊंगी जो यूरिक एसिड है, चाहे ये बीमारी कितनी भी पुरानी क्यों ना हो, लेकिन इसमें खान पान का ध्यान रखना बहुत ही जरूरी है। अगर आप ऑर्थराइटिस यानी कि इसके होने वाले जो इफेक्ट्स हैं उनसे बचना चाहते हैं, जो यूरिक एसिड है उसका इफेक्ट्स ऑर्थराइटिस यानी जॉइंट पेन में कन्वर्ट हो जाता है। ये यूरिक एसिड क्या है इसके बारे में मैं आपको बताने वाली हूँ। यूरिक एसिड जो किडनी होती है, हमारी किडनी हमारे यूरिन को फिल्टर करके बाहर निकालती है, लेकिन कभी कभार किडनियां सही से काम ना करे तो वो यूरिक एसिड पैदा होने लगता है, यानी हमारे ब्लड में यूरिन की मात्रा मिक्स होने लगती है तो वो यूरिक एसिड में कन्वर्ट हो जाती है, जो जोड़ों में चली जाती है, यानी पैरों में सूजन, पैरों में दर्द या रेडनेस, ये सारी समस्याएं आने लगती है और धीरे धीरे ये जॉइंट पेन में कन्वर्ट हो जाती है। इसमें आपको क्या सावधानियां रखनी चाहिए, क्या खाना चाहिए और किन चीजों से परहेज रखना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए, आइए मैं आपको बताने वाली हूँ। यूरिक एसिड में कौन सी चीजों को नहीं खाना चाहिए, यानी किस चीज को हमें अवॉइड करना है। तो सबसे पहले आता है कि आपको अपने मोटापे को बढ़ने नहीं देना है, यानी वजन को हमेशा कंट्रोल करके रखना है। ये नहीं कहेंगे कि आप अपने डाइट को इतना कम कर लें या फास्टिंग करके या डाइटिंग करके इतना ज्यादा अपने डाइट को कम कर लें, और डाइटिंग आप इसलिए कर रहे हैं कि बहुत जल्दी पतले हो जाए ताकि यूरिक एसिड ना बढ़ने पाए, तो ऐसा भी नहीं है। अगर बहुत जल्दी भी कोई शरीर पतला हो रहा है तो भी आपके शरीर में यूरिक एसिड बन सकता है, इसलिए अपनी डाइट को इसके अकॉर्डिंग करें ताकि आप सही स्पीड से पतले हो। और मोटे होना तो यूरिक एसिड का रीजन है ही, आप बहुत जल्दी भी पतले हो रहे हैं तो भी यूरिक एसिड बढ़ सकता है, इसलिए नॉर्मल स्पीड एक कायम करें जिससे आप पतले रहें, फिट रहें। इसके बाद इस चीज को याद रखें कि आपको मोटापे को ध्यान में रखना है। अब बात करते हैं ऐसी कौन सी वेज है, सब्जियां हैं जो आप यूरिक एसिड के दौरान नहीं खाने चाहिए और आप खा रहे हैं। इसमें शामिल है बकरे का मीट जो आपको नहीं खाना है। इसके अलावा आपको राजमा, दाल, मीट, गोभी, टमाटर, पालक, मटर, मशरूम, दही, अचार, ड्राई फ्रूट्स और पालक, वापस रिपीट कर दो, नहीं खाना है आपको, क्योंकि ये यूरिक एसिड को बहुत ज़्यादा बढ़ाते हैं। इसके बाद अगर बात करें नॉनवेज की, तो आपको यूरिक एसिड की परेशानी है तो आपको नॉनवेज नहीं खाना है, क्योंकि इससे यूरिक एसिड और बढ़ जाता है। इसलिए आपको इस चीज़ को हमेशा ध्यान में रखना है कि नॉनवेज नहीं खाना है। अगर आप नॉनवेज खा रहे हैं और यूरिक एसिड को कम करने की मेडिसिन्स ले रहे हैं तो वो मेडिसिन्स काम नहीं करेंगी। इसके बाद आता है बेकरी फूड्स। बेकरी फूड्स में आपको पता ही है कि उसमें प्रिजर्वेटिव काफ़ी ज़्यादा होता है, तब भी वो काफ़ी टाइम तक स्टोर रह पाते हैं। प्रिजर्वेटिव वाले चीज वो चीज़ है जो यूरिक एसिड के पेशेंट को नहीं खानी चाहिए, जैसे बिस्किट्स, केक, पैनकेक, बिस्किट्स, इन सब चीज़ों को अवॉइड करना आपको। उसके साथ साथ जिनको यूरिक एसिड की प्रॉब्लम है उन्हें अंडा यानी प्रोटीन और वसा युक्त फूड भी नहीं खाना है, और अंडे में बहुत ज़्यादा प्रोटीन होता है। एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि उनको फैट फुल वाला दूध बिल्कुल भी नहीं पीना है। वो दूध पी सकते हैं लेकिन उसके ऊपर से पूरी मलाई निकाल देनी है, क्योंकि प्रोटीन वो यूरिक एसिड को बहुत ज़्यादा प्रभाव करता है और बहुत जल्द बढ़ा देता है। इसके अलावा आपको चावल नहीं खाने हैं, साबुत दालें, राजमा, पास्ता, इन सब चीज़ों को आपको बिल्कुल नहीं खाना है, क्योंकि इसमें शुद्ध प्रोटीन होता है और प्रोटीन युक्त आहार आपको नहीं लेना है। इसके बाद आप जो भी पैक्ड डब्बा बंद फूड होते हैं उसमें भी प्रिजर्वेटिव डाले होते हैं, ये सारी की सारी चीज़ें आपको नहीं खानी है। आपको फास्ट फूड नहीं खाना है। फास्ट फूड में भी आपको जो भी मार्केट में मिलता है वो नहीं खाना है। जो अल्कोहल है यानी शराब है उसे भी आपने नहीं पीना है, क्योंकि वैसे भी शराब, अल्कोहल सेहत के लिए बिल्कुल सही नहीं होता है, चाहे फास्ट फूड हो या अल्कोहल हो, लेकिन जिनको यूरिक एसिड है उनके लिए ये एक पॉइजन के समान है। इसके बाद अगर बात करें ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो आप
खा सकते हैं और यूरिक एसिड में खाना आपके लिए फायदेमंद होगा। इसमें सबसे पहले आता है कि आपको जैतून के तेल का सेवन करना है। अगर आप जैतून के तेल में सब्जी बनाते हैं तो ये आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद होता है। इसका तेल इस्तेमाल करने से यूरिक एसिड का लेवल कम हो जाता है। लेवल कम होने का कारण यह है क्योंकि इसमें विटामिन ई बहुत ज़्यादा होता है, न्यूट्रिशन होते हैं, इसीलिए ये बॉडी में यूरिक एसिड को कम करती है। यानी कि जब भी आपको सब्जी बनानी हो तो आपको ऑलिव ऑयल यानी जैतून का तेल ही इस्तेमाल करना है। इसके बाद आपको विटामिन सी फूड्स का इस्तेमाल करना है। विटामिन सी फूड्स आपको लेने से बहुत ज़्यादा फायदा होगा, लेकिन आपको इसको ज़्यादा मात्रा में लेना है। आपको एक दिन में कम से कम 500 मिलीग्राम विटामिन सी कंज्यूम करना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके बाथरूम के थ्रू जो भी आप, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब हमारी यूरिन हमारे ब्लड में मिल जाती है यूरिक एसिड बन जाती है, तो अगर आप ज़्यादा विटामिन सी लेंगे कंज्यूम करेंगे तो आपको बाथरूम के थ्रू सारी यूरिन जो ब्लड में मिल चुकी है वो निकलने लगती है। इसलिए जितना हो सके विटामिन सी जरूर कंज्यूम करें। इसके अलावा आपको कम से कम 6 से 7 लीटर पानी पीना चाहिए एक दिन में। मैं आपको एक चीज बता दूं कि पानी तो वैसे 6 से 7 लीटर पानी पीना चाहिए। गर्मियों में तो हम पी ही लेते हैं, लेकिन सर्दियों में नहीं पी पाते। लेकिन आप कुछ ऐसे काम करें, ऐसे एक्सरसाइज करें, चाहे वो सर्दियां हो या गर्मियां, अगर आप पानी नहीं पी पाते हैं तो ऐसा एक्सरसाइज करें जिससे आपको प्यास लगे और आप ज्यादा से ज्यादा पानी पिए। बिना प्यास के भी पानी पीना गलत है, लेकिन अगर प्यास लगेगी तो पानी पियोगे तो वो ज्यादा फायदेमंद होगा। अगर आप पानी पीते हैं तो पानी के थ्रू भी यूरिक एसिड जो बॉडी में जमा है वो बाहर निकलने लगता है। इसके अलावा आपको नारियल पानी भी बहुत ज्यादा कंज्यूम करना चाहिए। आपको फाइबर से भरपूर आहार भी लेना चाहिए। जिस भी चीज में आपको फाइबर की मात्रा ज्यादा दिखे आपको उसे कंज्यूम करना चाहिए, जैसे कि दलिया, ओट्स, ब्रोकली, चुकंदर, गाजर, मूली, खीरा, इन सब चीजों को आपको खाना है क्योंकि ये बॉडी में यूरिक एसिड को कंट्रोल में करती है। आपको सेब जरूर लेना है, चेरी, स्ट्रॉबेरी, बेकिंग सोडा भी किसी भी अकॉर्डिंग से आप ले सकते हैं। एक चीज मैं आपको और बता दूं कि आपको रोजाना 1 ग्लास नींबू पानी जरूर पीना है। नींबू पानी पीने से यूरिक एसिड कम होता जाता है बॉडी से। इसके अलावा आपको तरबूज खाना चाहिए, लहसुन, अदरक आप अपनी सब्जी में जरूर यूज करें, जीरा, सौंफ, धनिया, इलायची, दालचीनी, ये सभी चीज़ों को आपको यूज करना है। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। यूरिक एसिड में आपको सेब, गाजर और चुकंदर तीनों के जूस को मिक्स करके पीना चाहिए। यानी एक दिन में 1 ग्लास आपको तीनों का जूस मिलाकर पीना है। ये बॉडी के अंदर से यूरिक एसिड को बाहर निकालता है, यानी ब्लड को प्योर करता है। इसके अलावा आपको 3 अखरोट एक दिन में जरूर खाने हैं। आप चाहे तो गर्मियों के दिनों में तो आप नहीं कंज्यूम कर पाओगे, इसलिए आप गर्मियों के दिनों में इसे भिगोकर खाएं, क्योंकि इनकी तहसीर गर्म होती है, जो भी ड्राई फ्रूट्स होते हैं, इसलिए इसे रात में भिगो दें और सुबह इसे खा लें। दिन में आप कभी भी 3 अखरोट खा सकते हैं। सर्दियों के दिनों में आप इसे ऐसे ही खा सकते हैं, ये आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। ऐसा करने से यूरिक एसिड बॉडी से कम होता जाता है। उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें। अगर आप हमसे कुछ पूछना चाहते हैं या फिर आप किसी परेशानी का हल ढूंढ रहे हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर सकते हैं। दोस्तों, हमारे चैनल हेल्थ टिप्स हिंदी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम फिर मिलेंगे आपकी प्रॉब्लम हमारी सॉल्यूशन के साथ। मैं आऊंगी रोजाना नए नए घरेलू उपचारों के साथ, जिससे आप अपनी परेशानियों को दूर कर सकते हैं। तब तक के लिए फिट रहें, हेल्दी रहें, खुश रहें। थैंक यू।